तपस्या काल का 11वां दिन, चालीसा काल का पहला सप्ताह, शनिवार। संत मत्ती का सुसमाचार 5:44-45 और 48। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हम विचार करें। स्वर्गीय पिता की पूर्णता प्रेम है, और यीशु हमें यह दिखाने आया कि हम उसके समान प्रेम कैसे करें। पिता परमेश्वर के प्रेम की क्या विशेषताएं हैं? मुझे अपने शत्रुओं से प्रेम करना और मेरे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना क्यों कठिन लगता है? परमेश्वर का वचन आज मुझे क्या करने के लिए चुनौती दे रहा है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर के तरह परिपूर्ण होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, क्रूस पर आपने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे पता है यह बात कहना मेरे लिए कितना कठिन है, इसलिए मुझे अनुग्रह और आत्मा की शक्ति दे ताकि मैं आपके समान मेरे दुश्मनों को प्यार और माफ कर सकूं। संत ऑगस्टाइन कहते हैं, आप अपने दुश्मनों को आपकी प्रार्थनाओं द्वारा क्या बनाना चाहते हैं?